बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज मैं आपको सही समझाऊंगा क्रेमर्स रूल किस तरीके से सॉल्व करना है। पहली वीडियो हमारी मैट्रिक्स मेथड से, अभी दूसरी हमारी वीडियो है किस से, क्रेमर्स रूल से। अब इसके सबसे पहले करने का आपको ऊपर यहाँ लिख लेता हूँ क्या करने जा रहे हैं हम, सही है। अब इट इज गिविन डेट के बाद करने के जो सवाल है इसको एक दफ़ा आपको उतारना है। ये एक अच्छा तरीका है फिर काम करने के लिए। फिजिकल टू 9 और 4x माइनस 2y और इजिकल टू 1। अब इसके तीन मैट्रिक्स फॉर्म समझ लें, तीन बॉक्सेस बनेंगे। मिसाल के तौर पे एक हम पहले बॉक्स का हम नाम ले लेते हैं लेट ए। ए का मतलब क्या है, जिसके अंदर जो एक्स वाई के जो अलावा जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। 2, 5, 4, -2। और इसके बाद एक और मैट्रिक्स का हम नाम देंगे ए एक्स। ए एक्स में क्या होगा, एक्स वाली जो वैल्यूज़ है, एक्स वाली वैल्यूज़ इसको हम नहीं लिखेंगे, वाई वाली वैल्यू को हम लिख देंगे। क्या वैल्यूज़ आ रही है इसकी, 5, -2। इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये जो इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ है इसको यहाँ पर हम रखेंगे 9 और 1। इसके बाद तीसरी जो हम वैल्यू बनाएंगे ए वाई। अब जैसे कि हमने एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू नहीं रखी, अब वाई के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे 2, 4, ये हो गई। और उसके बाद वाई की वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ है इसको यहाँ, हाँ इसको यहाँ पुट कर देंगे हम। ये हमारा क्या आ गया, एक फॉर्म आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको सबसे पहले करना क्या है, इन सब की सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मैं इस तरीके से शो करवा देता हूँ, फाइंड ए, सही। इसको करना है कि ए को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और बीच में माइनस कर देना है, जो हमें कॉमन इसके जो फार्मूला है 2 × -2 और माइनस अपनी जगह, सही है। 5 × 4, इसकी क्या 2 − 2 = 4 − 4 हो गया, और 5 × 4 = 20। इसके जवाब क्या आया ए का जवाब है -24। ये हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया इसको। उसके बाद इसको निकाल देना है फाइंड, सही, ए एक्स। इस तरीके से देख लें आप, सही। इसको आपस में 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस अपनी जगह 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब नीचे 9 × 2 = 18, -18 हो जाएगा, और 5 × 1 = 5। इसका ए एक्स का जवाब क्या आया, -23। इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया। ए वाई बिल्कुल सेम तरीके से हमें निकाल देना है, फाइंड सही ए वाई मैंने यहाँ लिखा, और इसको 4, 2 × 1 = इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2, 1 − 9, 4, सही। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 9, 4 = क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ए वाई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब इसको नीचे सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, ये क्या हो गया 36 में ऐसे 2 करते हैं माइनस, क्या हो जाएगी वैल्यू, -34। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इससे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसे एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा वो फार्मूला। मिसाल के तौर पे फाइंड, हम बेसिकली काम क्यों कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। फाइंड एक्स, एक्स के लिए क्या करना है आपको, ए एक्स की जो वैल्यू है, सही है, उसको डिवाइड कर देना है ए से। एक्स अपनी जगह, ए एक्स की क्या वैल्यू है, ये ए एक्स की वैल्यू -23 मैंने लिखा, और ए की क्या वैल्यू हमने निकाली है, -24, ये हो गई -24। बस इसका यही जवाब रहेगा एक्स का, और माइनस माइनस ये प्लस हो गई वैल्यू, और मैं आगे और लिख लेता हूँ 23 × 24 ये एक्स की वैल्यू आ चुकी। अब इसी तरह बिल्कुल हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वाई। वाई के लिए बिल्कुल सेम फार्मूला, वाई यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ
लिखेंगे ए वाई, सही है, डिवाइड किससे करेंगे, ए वाई को एक से। ए वाई की क्या वैल्यू रही, ए वाई की वैल्यू ये रही -34, और ए की क्या वैल्यू -24। वाई किसके बराबर हो जाएगा, -34 और -24, माइनस से माइनस वैल्यू कट चुकी है, और ये क्या हो गई 12 और 17। ये फर्दर सॉल्व हो सकती है, इसको हम किस तरीके से करेंगे, 17 और 12 12 आ गया, 12 फंस 12, सही है, और बच्चा कितना 5, सही है। इसको किस तरीके से करना है, वाई इसको इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट पहली की वैल्यू आ रही है 23/24, और दूसरी की वैल्यू क्या आ रही है, ये हमारा जवाब हो गया किस मेथड से, क्रेमर रूल से। इंशाल्लाह बहुत आसान है, इसी तरीके से तमाम सवाल जितने भी इसी एक्सरसाइज के वो तमाम इसी तरीके से होंगे। अब इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह तमाम जवाब। अस्सलाम वालेकुम।